हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ। तो आज के एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पुलिस गोइंग का हाउस आ जाती है एंड उन सबको बताती है कि कार्तिक ने के ऊपर हिट एंड रन का केस है। मतलब उसने किसी को गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, जिसकी वजह से उसको हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। एंड पूरी फैमिली शॉक हो जाती है कार्तिक के ऊपर एंड पुलिस के ऊपर कि ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशली नायरा को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कार्तिक से पूछती है एंड कार्तिक प्रिटेंड करता है कि हाँ, मैंने ही एक्सीडेंट किया है और इतने दिनों से हमारे ऊपर इतनी मुसीबत थी, लोन की टेंशन थी, तो मैंने एक्सीडेंट किया और हमें लोन मिल गया है, हमारी मुसीबत टल गई, और मैं अब अपने एक्सीडेंट की खबर से ये खुशी का समय मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। फिर पूरी फैमिली कहती एंड कार्तिक की मॉम कहती कि कल ही तो तुम इतना अच्छे तरह से हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुम ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि तुमने एक्सीडेंट किया। एंड दादी जी भी कहती, नायरा भी कहती, उसको शॉक हो जाता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वही कार्तिक कहता कि मैंने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट मैंने कर चुका हूँ और इसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि इंस्पेक्टर मुझे ले के जाएंगे, अरेस्ट करके लेके जाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था आखिरी, ताकि आपको ये लास्ट मेमोरी याद रहे मेरे साथ। एंड वही दादी जी रोने लग जाती, बिलखने लग जाती कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है कार्तिक, ऐसा नहीं हो सकता। एंड नायरा को वो तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो नहीं सकता कि कार्तिक किसी का एक्सीडेंट करे, किसी को मार के वो चला जाए, उसकी हेल्प ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिक जैसा सेंसिटिव इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। एंड पूरी फैमिली को विश्वास नहीं होता, पापा जी चाचा जी को तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कार्तिक प्रिटेंड करता है एंड सबको कन्विंस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन नायरा को विश्वास बिल्कुल नहीं होता। एंड वही इंस्पेक्टर कहता है कि हमें चलना होगा, हम ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको जो बात करनी है आप पुलिस थाने में आके बात करिए। एंड वही कार्तिक को वो ले के जाते हैं, लेकिन नायरा जैसे तैसे रोती है, बिलखती है, उसको पकड़ती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। एंड पुलिस उसको लेके जाते, फिर जैसे तैसे नायरा उसके जैकेट पकड़ लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। एंड वहीं कार्तिक मेन एंट्री गेट बंद कर देता है ताकि नायरा बाहर ना आ सके, लेकिन उसका जैकेट उसके हाथ में आ जाता है ताकि और कार्तिक जा नहीं पाता। फिर नायरा कायरव की कसम देती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम हमें लॉक करके नहीं जाओगे। वहीं कार्तिक नायरा की बात सुनता है एंड वो लॉक तो खोल देता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है एंड उसके नायरा के हाथ में सिर्फ उसके हाथ उसका जैकेट आता है और वो कार्तिक अपना जैकेट खोल के चला जाता है। एंड वहीं नायरा शॉक हो जाती है कि कार्तिक चला जाता है एंड उसको विश्वास नहीं होता। एंड वहीं कार्तिक पुलिस जीप में होता है एंड वो मनी मन का नायरा को सॉरी मांगता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें इसी के साथ जीना पड़ेगा। ये सब वो सब कार्तिक अपने मनी मन अपने आप को संभालता है एंड वो रोने लग जाता है। वहीं नायरा को हम देखते हैं कि नायरा को बिल्कुल विश्वास नहीं होता एंड वो तुरंत वो कार लेके अपनी कार लेके पुलिस थाने जाते हैं। एंड वहीं पीछे पीछे पापा जी एंड चाचा जी भी नायरा के पीछे पीछे अपने अलग कार में जाते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि नायरा पहुंच जाती है एंड कार्तिक को पुलिस थाने में लेके आ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कन्फेशन रूम और कन्फेशन और इंटेरोगेशन रूम में ले आते हैं एंड उसको रूम में बंद कर देते हैं फॉर इंटेरोगेशन, और इंस्पेक्टर कन्फेशन रजिस्टर लेके आते हैं।
तभी नायरा पहुंच जाती है एंड इंस्पेक्टर को कहती है कि मुझे कार्तिक से मिलना है, मुझे कार्तिक से बात करना है। वही इंस्पेक्टर कहते हैं कि कार्तिक आपसे नहीं मिलना चाहते, उन्होंने कह दिया है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते, किसी भी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना चाहते, ना वो वकील चाहते हैं ना वो जमानत चाहते हैं। वही नायरा हैरान हो जाती है कि ऐसे कार्तिक क्यों कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो मन ही मन सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और वो पुलिस इंस्पेक्टर को मनाने की कोशिश करती है, बट स्टिल पुलिस इंस्पेक्टर नहीं मानते और उसको एंट्री करने नहीं देते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि गोयनका हाउस में दादी जी रोने लग जाती है एंड दो बड़ी बहू मंत्री जी को कॉल करती है, लेकिन मंत्री जी की सेक्रेटरी फ़ोन उठाती है और कहती है कि फॉर COVID-19 मंत्री जी कहीं बाहर गए और वो अभी उदयपुर में नहीं है। तो यही खबर वो दादी जी को कहती है एंड वो दादी जी रोने लग जाती है, भगवान हमारा कुछ तो साथ दे। एंड वहीं दादी जी भगवान जी को प्रे करती है कि चाहे जो भी मुसीबत आए मेरे ऊपर है, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर ना आए, या कार्तिक को के ऊपर बिल्कुल भी ना आए, हमारी मुसीबत टल जाए। ये सब वो भगवान जी को प्रे करती है, लेकिन होना वही होता है जो होके रहता है। एंड कार्तिक को हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन रूम में, वो परेशान होता है एंड वो नायरा की यादों में खो जाता है एंड फैमिली के साथ जो अच्छी वक्त बिताए हैं वो सब वो याद करने लग जाता है एंड वो रोने लग जाता है। वहीं वो नायरा भी कार्तिक को याद कर कर के उसके बारे में सोचने लग जाती है और वो रोने लग जाती है। एंड वहीं हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की यादों में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं एंड कार्तिक मना कर देता है। फिर वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जो हिट एंड रन केस में जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मम्मी आ गई है एंड वो हवलदार को कहती है कि जिसने भी एक्सीडेंट किया है उस गाड़ी वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी एंड ये सब बातें करता है। एंड जिसने भी मेरे बेटे को सुनसान रास्ते से बचाया, भगवान करे उसका भला करे, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। एंड नायरा ये बातें सुन लेती है, जो हिट एंड रन केस में उसकी उस लड़के की मम्मी जो बोल रही है, एंड वो नायरा मन ही मन सोच रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कार्तिक इतना सेंसिटिव बंदा, वो किसी को एक्सीडेंट करके किसी को ऐसे बीच रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ सकता मरने वाले हालत में। वहीं हम देखते हैं कि नायरा परेशान होती है। वहीं पापा जी एंड चाचा जी आते हैं एंड पापा जी एंड चाचा जी कहते हैं कि वकील कह रहे कि अगर हम कार्तिक से नहीं मिले या कार्तिक से बात नहीं की, या अगर कार्तिक की यही जिद रही तो हम कार्तिक को नहीं बचा सकते। तो वहीं नायरा परेशान हो जाती है और वो पापा जी और चाचा जी को कहती है कि मुझे जैसे तैसे कार्तिक को बचाना है, उससे मिलना है, आप पुलिस इंस्पेक्टर का डाइवर्ट करिए, मैं इंटेरोगेशन रूम में जैसे तैसे उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। एंड वो पुलिस इंस्पेक्टर को बातों में घुमा के वो इंटेरोगेशन रूम चली जाती है एंड कार्तिक से पूछने लग जाती है कि हमारे बीच में अब यही चुप्पी रहेगी, क्या तुम मुझसे इतना सब कुछ छुपाओगे, ये दिन मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे विश्वास है तुमने नहीं किया है। ये सब बातें करके कार्तिक को बहकाने की कोशिश करती है ताकि कार्तिक अपने मुंह से सच बोले, लेकिन कार्तिक नहीं बोलता है एंड चुप के चुप रह जाता है। एंड वही नायरा बोले जाती है, लेकिन फिर कार्तिक बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो नायरा से कहता है कि तुम चुप हो जाओ और चली जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना, मैंने ही एक्सीडेंट किया है। वही बात वो फिर से वो रिपीट करना कि मैंने ही एक्सीडेंट किया, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी मेम्बर से नहीं मिलना है, एंड अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरा सर और इस दीवार से मैं पटक लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। एंड नायरा ये बातें सुन के शॉक में हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर इंटेरोगेशन रूम में आ जाते हैं एंड नायरा को देख के हैरान हो जाते हैं एंड नायरा को जाने को कहते हैं, अगर नहीं जाओगे तो मैं लेडी हवलदार को बुला दूंगा, आपको यहाँ से ज़बरदस्ती जाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर नायरा कार्तिक की शक्ल देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो इंटेरोगेशन रूम से बाहर चली जाती है एंड पुलिस थाने के बाहर चली जाती है और वो कार में बैठ जाती है। फिर वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर
कार्तिक मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई इतने नहीं छुपा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं का पापा जी एंड चाचा जी घर आ जाते हैं, दादी जी फिर पूछती क्या हुआ, फिर दादी जी को पापा जी बताते कि कार्तिक हमसे नहीं मिलना चाहता, ना वो वकील चाहता है, ना वो जमानत चाहता है। तो फिर पापा जी सोचते हैं कि क्या पता हो सकता है कार्तिक से सही में ही एक्सीडेंट हुआ, वो लोन के मिलने की खुशी में वो जल्दी जल्दी घर आ रहा, और हो सकता है उसके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, डर के मारे वो घर आ गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड दादी जी रोती हुई बिलखती हुई, एंड पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, टेंशन में रहती है। एंड पापा जी कंक्लूजन निकाल के वो रोने लग जाते हैं, एंड वो अपने आप को नहीं संभाल पाते, एंड वो टेंशन से सोफे में बैठ जाते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि कार नायरा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, एंड वो कार में टेंशन के मारे उसको कुछ समझ नहीं आता। और वहीं उसको एक मैसेज आता है बालाजी गैरेज का, जी हाँ बालाजी गैरेज जो कार सही करवाते हैं। तो उनका मैसेज आया नायरा को, उसको टेंशन हो गई कि ऐसा क्या है। एंड उनके मैसेज में कार्तिक की कार का नंबर होता है, मतलब कार्तिक की कार बालाजी गैरेज में सर्विसिंग के लिए होती है। एंड फिर बालाजी गैरेज एक और एक बार मैसेज करता है फॉर कि क्या क्या सही हुआ है, लाइक जो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, जो कि किसी को एक्सीडेंट करने के बाद जैसे डेंट पड़ जाता है कार में, या टूट जाते कांच, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर नायरा को शक होता है, एंड उसको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है कार्तिक, एंड वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो पता कैसे लगाए। एंड पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है, एंड उसको एंड वहीं नायरा को समझ नहीं आता है, नायरा को समझ में आ जाता है कि कार्तिक झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ ना कुछ बात है, वो कुछ ना कुछ बात छुपा के वो अंदर की बात नहीं बता रहा है। और यही बात वो सोच रही है कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में यही देखेंगे गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि नायरा जो सीता जी के घर होती है, एंड सीता जी के घर देखती है कुंदन को चोट लगे हुए, एंड उसको शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंदन ने एक्सीडेंट किया हो और कार्तिक ने उस लड़के को जिसका एक्सीडेंट हो उसको बचाया हो। हो सकता है कि लोन के चक्कर में वो कुंदन को बचा रहा हो कि ताकि सीता जी उनको लोन दे दे और कुंदन बच जाए उस एक्सीडेंट से पूरी फैमिली को। वो फिर वो कार्तिक से मिलती है नायरा, एंड कार्तिक को बताती है सारा सच कि मैं सीता जी के घर गई थी, एंड मैंने कुंदन को जख्मी हालत में देखा था, हो सकता है कि उसी ने एक्सीडेंट किया, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं सीता जी के घर पुलिस को इंस्पेक्टर को भेज दूंगी। और अगर फिर वहीं कार्तिक को समझ आ जाता है कि नायरा को सच्चाई पता लग जाती है, एंड कार्तिक चुप करवाता है नायरा को। एंड यही सब हम कल के एपिसोड में देखेंगे कि कौन है गुनहगार, किसने एक्सीडेंट किया, हो सकता है कि कुंदन ने, हो सकता है कार्तिक ने, हो सकता है कार्तिक अपने आप को बचाने के लिए कर रहा हो, या हो सकता है पूरी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा, या हो सकता है ये लोन मिल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। होपफुली यू विल लाइक आर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एपिसोड, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, इसी से मुझे पता लगेगा कि आपको अच्छा लगा है क्या नहीं लगा। और मैं बाकी सारे सीरियल स्टार प्लस के आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा चटपटा मसालेदार लगा के आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय।
हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ। तो आज के एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पुलिस गोइंग का हाउस आ जाती है एंड उन सबको बताती है कि कार्तिक ने के ऊपर हिट एंड रन का केस है। मतलब उसने किसी को गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, जिसकी वजह से उसको हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। एंड पूरी फैमिली शॉक हो जाती है कार्तिक के ऊपर एंड पुलिस के ऊपर कि ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशली नायरा को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता। फिर वो कार्तिक से पूछती है एंड कार्तिक प्रिटेंड करता है कि हाँ, मैंने ही एक्सीडेंट किया है और इतने दिनों से हमारे ऊपर इतनी मुसीबत थी, लोन की टेंशन थी, तो मैंने एक्सीडेंट किया और हमें लोन मिल गया है, हमारी मुसीबत टल गई। और मैं अब अपने एक्सीडेंट की खबर से ये खुशी का समय मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। फिर पूरी फैमिली कहती एंड कार्तिक की मॉम कहती कि कल ही तो तुम इतना अच्छे तरह से हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुम ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि तुमने एक्सीडेंट किया। एंड दादी जी भी कहती, नायरा भी कहती, उसको शॉक हो जाता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वही कार्तिक कहता कि मैंने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट मैंने कर चुका हूँ और इसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि इंस्पेक्टर मुझे लेके जाएंगे, अरेस्ट करके लेके जाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था आखिरी, ताकि आपको ये लास्ट मेमोरी याद रहे मेरे साथ। एंड वही दादी जी रोने लग जाती, बिलखने लग जाती कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है कार्तिक, ऐसा नहीं हो सकता है। नायरा को वो तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो नहीं सकता कि कार्तिक किसी का एक्सीडेंट करे, किसी को मार के वो चला जाए, उसकी हेल्प ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिक जैसा सेंसिटिव इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। एंड पूरी फैमिली को विश्वास नहीं होता, पापा जी चाचा जी को तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कार्तिक प्रिटेंड करता है एंड सबको कन्विंस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन नायरा को विश्वास बिल्कुल नहीं होता। एंड वही इंस्पेक्टर कहता है कि हमें चलना होगा, हम ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, आपको जो बात करनी है आप पुलिस थाने में आके बात करिए। एंड वही कार्तिक को वो लेके जाते हैं, लेकिन नायरा जैसे तैसे रोती है, बिलखती है, उसको पकड़ती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। एंड पुलिस उसको लेके जाते हैं। फिर जैसे तैसे नायरा उसके जैकेट पकड़ लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। एंड वहीं कार्तिक मेन एंट्री गेट बंद कर देता है ताकि नायरा बाहर ना आ सके, लेकिन उसका जैकेट उसके हाथ में आ जाता है ताकि और कार्तिक जा नहीं पाता। फिर नायरा कायरव की कसम देती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम हमें लॉक करके नहीं जाओगे। वहीं कार्तिक नायरा की बात सुनता है एंड वो लॉक तो खोल देता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है एंड उसके नायरा के हाथ में सिर्फ उसके हाथ उसका जैकेट आता है और वो कार्तिक अपना जैकेट खोल के चला जाता है। एंड वहीं नायरा शॉक हो जाती है कि कार्तिक चला जाता है एंड उसको विश्वास नहीं होता। एंड वहीं कार्तिक पुलिस जीप में होता है एंड वो मनी मन का नायरा को सॉरी मांगता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें इसी के साथ जीना पड़ेगा। ये सब वो सब कार्तिक अपने मनी मन अपने आप को संभालता है एंड वो रोने लग जाता है। वहीं नायरा को हम देखते हैं कि नायरा को बिल्कुल विश्वास नहीं होता एंड वो तुरंत वो कार लेके अपनी कार लेके पुलिस थाने जाते हैं। एंड वहीं पीछे पीछे पापा जी एंड चाचा जी भी नायरा के पीछे पीछे अपने अलग कार में जाते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि नायरा पहुंच जाती है एंड कार्तिक को पुलिस थाने में लेके आ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कन्फेशन रूम और मतलब कन्फेशन और इंटेरोगेशन रूम में ले आते हैं एंड उसको रूम में बंद कर देते हैं फॉर इंटेरोगेशन। और इंस्पेक्टर कन्फेशन रजिस्टर लेके आते हैं
तभी नायरा पहुंच जाती है एंड इंस्पेक्टर को कहती है कि मुझे कार्तिक से मिलना है, मुझे कार्तिक से बात करना है। वही इंस्पेक्टर कहते हैं कि कार्तिक आपसे नहीं मिलना चाहते, उन्होंने कह दिया है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते, किसी भी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना चाहते, ना वो वकील चाहते हैं ना वो जमानत चाहते हैं। वही नायरा हैरान हो जाती है कि ऐसे कार्तिक क्यों कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो मन ही मन सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और वो पुलिस इंस्पेक्टर को मनाने की कोशिश करती है, बट स्टिल पुलिस इंस्पेक्टर नहीं मानते और उसको एंट्री करने नहीं देते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि गोयनका हाउस में दादी जी रोने लग जाती है, एंड दो बड़ी बहू मंत्री जी को कॉल करती है, लेकिन मंत्री जी की सेक्रेटरी फ़ोन उठाती है और कहती है कि फॉर कोविड-19 मंत्री जी कहीं बाहर गए हैं और वो अभी उदयपुर में नहीं है। तो यही खबर वो दादी जी को कहती है, एंड वो दादी जी रोने लग जाती है, भगवान हमारा कुछ तो साथ दे। एंड वहीं दादी जी भगवान जी को प्रे करती है कि चाहे जो भी मुसीबत आए मेरे ऊपर है, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर ना आए, कार्तिक को के ऊपर बिल्कुल भी ना आए, हमारी मुसीबत टल जाए। ये सब वो भगवान जी को प्रे करती है, लेकिन होना वही होता है जो होके रहता है। एंड कार्तिक को हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन रूम में, वो परेशान होता है एंड वो नायरा की यादों में खो जाता है, एंड फैमिली के साथ जो अच्छे वक्त बिताए हैं वो सब वो याद करने लग जाता है, एंड वो रोने लग जाता है। वहीं वो नायरा भी कार्तिक को याद कर कर के उसके बारे में सोचने लग जाती है और वो रोने लग जाती है। एंड वहीं हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की यादों में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, एंड कार्तिक मना कर देता है। फिर वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जो हिट एंड रन केस में जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मम्मी आ गई है, एंड वो हवलदार को कहती है कि जिसने भी एक्सीडेंट किया है उस गाड़ी वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी, एंड ये सब बातें करता है। एंड जिसने भी मेरे बेटे को सुनसान रास्ते से बचाया, भगवान करे उसका भला करे, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। एंड नायरा ये बातें सुन लेती है, जो हिट एंड रन केस में उसकी उस लड़के की मम्मी जो बोल रही है, एंड वो नायरा मनी मन सोच रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कार्तिक इतना सेंसिटिव बंदा, वो किसी को एक्सीडेंट करके किसी को ऐसे बीच रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ सकता मरने वाले हालत में। वहीं हम देखते हैं कि नायरा परेशान होती है। वहीं पापा जी एंड चाचा जी आते हैं, एंड पापा जी एंड चाचा जी कहते हैं कि वकील कह रहे कि अगर हम कार्तिक से नहीं मिले या कार्तिक से बात नहीं की, या अगर कार्तिक की यही जिद रही तो हम कार्तिक को नहीं बचा सकते। तो वहीं नायरा परेशान हो जाती है और वो पापा जी और चाचा को कहती है कि मुझे जैसे तैसे कार्तिक को बचाना है, उससे मिलना है, आप पुलिस इंस्पेक्टर का डाइवर्ट करिए, मैं इंटरोगेशन रूम में ऐसे तैसे उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। एंड वो पुलिस इंस्पेक्टर को बातों में घुमा के वो इंटरोगेशन रूम चली जाती है, एंड कार्तिक से पूछने लग जाती है कि हमारे बीच में अब ये चुप्पी रहेगी, क्या तुम मुझसे इतना सब कुछ छुपाओगे, ये दिन मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे विश्वास है तुमने नहीं किया है। ये सब बातें करके कार्तिक को बहकाने की कोशिश करती है ताकि कार्तिक अपने मुंह से सच बोले, लेकिन कार्तिक नहीं बोलता है एंड चुप के चुप रह जाता है। एंड वही नायरा बोले जाती है, लेकिन फिर कार्तिक बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है एंड वो नायरा से कहता है कि तुम चुप हो जाओ और चली जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना, मैंने ही एक्सीडेंट किया है। वही बात वो फिर से वो रिपीट करना कि मैंने एक्सीडेंट किया, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी मेम्बर से नहीं मिलना है, एंड अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरा सर और इस दीवार से मैं पटक लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। एंड नायरा ये बातें सुन के शॉक में हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर इंटरोगेशन रूम में आ जाते हैं एंड नायरा को देख के हैरान हो जाते हैं एंड नायरा को जाने को कहते हैं, अगर नहीं जाओगे तो मैं लेडी हवलदार को बुला दूंगा, आपको यहाँ से ज़बरदस्ती जाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर नायरा कार्तिक की शक्ल देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो इंटरोगेशन रूम से बाहर चली जाती है एंड पुलिस थाने के बाहर चली जाती है और वो कार में बैठ जाती है। फिर वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर
कार्तिक मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई इतने नहीं छुपा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं का पापा जी एंड चाचा जी घर आ जाते हैं, दादी जी फिर पूछती क्या हुआ, फिर दादी जी को पापा जी बताते कि कार्तिक हमसे नहीं मिलना चाहता, ना वो वकील चाहता है, ना वो जमानत चाहता है। तो फिर पापा जी सोचते हैं कि क्या पता हो सकता है कार्तिक से सही में ही एक्सीडेंट हुआ, वो लोन के मिलने की खुशी में वो जल्दी जल्दी घर आ रहा, और हो सकता है उसके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, डर के मारे वो घर आ गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड दादी जी रोती हुई बिलखती हुई, एंड पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, टेंशन में रहती है। एंड पापा जी कंफ्यूजन निकाल के वो रोने लग जाते हैं, एंड वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, एंड वो टेंशन से सोफे में बैठ जाते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि कार नायरा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, एंड वो कार में टेंशन के मारे उसको कुछ समझ नहीं आता। और वहीं उसको एक मैसेज आता है बालाजी गैरेज का, जी हाँ बालाजी गैरेज जो कार सही करवाते हैं। तो उनका मैसेज आया नायरा को, उसको टेंशन होगी कि ऐसा क्या है। एंड उनके मैसेज में कार्तिक के कार का नंबर होता है, मतलब कार्तिक की कार बालाजी गैरेज में सर्विसिंग के लिए होती है। एंड फिर बालाजी गैरेज एक और एक बार मैसेज करता है फॉर कि क्या क्या सही हुआ है, लाइक जो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, जो कि किसी को एक्सीडेंट करने के बाद जैसे डेंट पड़ जाता है कार में, या टूट जाते कांच, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर नायरा को शक होता है, एंड उसको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है कार्तिक, एंड वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो पता कैसे लगा है। एंड पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है, एंड उसको एंड वहीं नायरा को समझ नहीं आता है, नायरा को समझ में आ जाता है कि कार्तिक झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ ना कुछ बात है, वो कुछ ना कुछ बात छुपा के वो अंदर की बात नहीं बता रहा है। और यही बात वो सोच रही है कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में यही देखेंगे गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि नायरा जो सीता जी के घर होती है, एंड सीता जी के घर देख के कुंदन को चोट लगे हुए है, एंड उसको शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंदन ने एक्सीडेंट किया हो और कार्तिक ने उस लड़के को जिसका एक्सीडेंट हो उसको बचाया हो। हो सकता है कि लोन के चक्कर में वो कुंदन को बचा रहा हो कि ताकि सीता जी उनको लोन दे दे और कुंदन बच जाए उस एक्सीडेंट से, पूरी फैमिली को। वो फिर वो कार्तिक से मिलती है नायरा, एंड कार्तिक को बताती है सारा सच कि मैं सीता जी के घर गई थी, एंड मैंने कुंदन को जख्मी हालत में देखा था, हो सकता है कि उसी ने एक्सीडेंट किया, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं सीता जी के घर पुलिस को इंस्पेक्टर को भेज दूंगी। और अगर फिर वहीं कार्तिक को समझ आ जाता है कि नायरा को सच्चाई पता लग जाती है, एंड कार्तिक चुप करवाता है नायरा को। एंड यही सब हम कल के एपिसोड में